नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कुछ एक अलग ही सब्जेक्ट लेके आया हूं आपके लिए, फ्लशिंग के विषय में। तो हमने तीन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है, और वो कॉन्सेप्ट है क्या, एक मेट्रोपोल फ्लश वाल, एक कंसील टैंक और एक आई फ्लश। मोस्टली ये तीन चीज जो है वो कंसील के प्रोडक्टों के लिए यूज किया जाता है, जैसे वॉल माउंट डब्ल्यूसी हो गए, आप ओरिसा पान के अंदर भी इनको यूज कर सकते हैं। इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने की बात है। ये लग्जरियस को जाता है, दिखने में डिसेंट, और ये लग्जरियस को जाता है आई प्लस, ये दिखने को डिसेंट। और ये मेट्रोपोल प्लस वाला ये लग्जरियस को नहीं जाता, बल्कि होता थोड़ा बाहर आता है, ये ओल्ड है। अब इसके कॉस्टिंग डिफरेंस जानेंगे और इसके काम जानेंगे। कंसील टैंक हमको फाइनल कॉस्ट 12,700 एमआरपी, ये एमआरपी हो रहा है। ये जो है हम हमेशा मतलब मेट्रोपोल फ्लश वाल में दो चीज हमेशा बताते रहते हैं, क्योंकि ये मेरी आदत बन गई है, ताकि आप मिस ना कर पाए। अब ये जो 1085 3100 रुपए का है, 1095 3000 का है, और ये लगभग 3000 का 3300 के समथिंग जाएगा, 300 रुपए महंगा रहेगा, या समथिंग 150 रुपया आगे पीछे जो भी हो। अब इसमें क्या हो जाता है, ये 32 mm काट रही है, ये 32 mm के इसके काट रही है। इसका जो इनलेट पॉइंट होगा ये 32 mm और ये 46 mm। ये मोस्टली क्यों कहता हूं कि जैसे ये नए प्लम्बर लोगों के लिए, पुराने प्लम्बर लोगों को मालूम तो होगा ही, ये क्या हो जाता है कि ये जो इसको चलने के लिए हमको ये हमको यानी कॉस्टिंग तो ये हमारा जा रहा है, इसके बाद एडिशनल कुछ कॉस्ट नहीं, एडिशनल इसके साथ कोई कॉस्ट नहीं है, बट इसके साथ ब्रास MTA, इसके साथ ब्रास MTA, ब्रास FTA, ये चीजें जो है ये इनके साथ भी लागू होता है, आई फ्लस के साथ भी, ये आई फ्लस के साथ भी लागू होता है। तो इसमें क्या रहेगा, बस ये रहेगा कि इनमें जो है 32 mm तक ही है, 32 इसमें जो है, सॉरी यहां लिखने के बजाय इसमें जो है 32 mm और 20 mm, दो साइज अवेलेबल है इसमें। ये मोस्टली जो है 40 mm और 32 mm है, 40 और 32 का एक रीजन है। ये 1085 यदि हम ले रहे हैं तो ये 32 mm कार्ट्रिज का हमको 1.25 इंची का पाइप ऊपर से उतारना पड़ेगा। फ्लश टैंक हम ले रहे हैं तो हमको 2400 FS, मतलब FS मतलब फुल स्टैंड के साथ, जो आप देखेंगे लोहे का पूरा स्टैंड वगैरह सब रहेगा, उसके साथ एसेसरीज और कंसील टैंक, ये सारे चीज एसेसरीज मिला के ये 11,200 के पड़ते हैं। फ्लश प्लेट अप्रोक्स उसके आगे का, जब यानी फाइनल फिटिंग होने के बाद उसके बॉक्स में जितना यानी कंसील करना था करने का, जितना ओवर रहेगा वो कटिंग करने के बाद, आप उसमें 1500 रुपया प्लस प्लेट का, जैसे लीरिक उरिक हो गया, ओपल्स वगैरह सीरीज के हो गए, बट इसमें मतलब लगुना उगना जो नया सीरीज आए हैं या आगे जाके मतलब कलर में मतलब कलर वेरिएशन में जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यदि लगुना में जाएंगे तो 700 रुपया इसका बढ़ जाएगा कॉस्टिंग, बट ये हम रेगुलर में मतलब जोड़े हैं तो ये कॉस्टिंग जा रहा है 12,700 का खर्चा। इसके लिए एडिशनल
एडिशनल एडिशनल लाइन जो है इसको जोड़ने की जरूरत एडिशनल लाइन जोड़ने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है जो बीएसटी आप यानी रेगुलर आप बाथरूम में घुमा रहे हैं इसको 15 mm का ही इनपुट 15 mm का ही बीएसटी लगेगा। इसको कितना लगेगा 15 mm का बीएसटी, 15 mm का बीएसटी पे ही ये मतलब इसका काम हो जाएगा, इसके लिए एडिशनल कोई पाइप नहीं। बट इनके इनके लिए तो पाइप एडिशनल उतारने पड़ेंगे 1.25 इंची का। अब इसमें रहा रीजन सवाल क्या, यदि मेट्रोपोल फ्लस वाल का लाइन यदि आप यदि मतलब 32 mm 1.25 इंची 40 mm में यदि इनलेट का पॉइंट उतारते हैं तो यदि ग्रेविटी नहीं है बिल्डर बेस है तो बिल्डर बेस है यदि तो वहां पे ऑलरेडी डक्ट वगैरह में पॉइंट दिया रहता है तो वहां से आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी कम, क्योंकि आप रिंगमेट पे पहुंचे हैं। और यदि बिल्डर यदि लाइन डालता है तो नियम वही लागू होगा, जब भी नए पे मतलब बनाता है तो नियम वही लागू होगा। तो इसके साथ जो मतलब 32 mm 40 mm के पाइप और उसके काम करने के जो यहां तो यानी झरी मार के पूरा नीचे तक लेके आते हैं तो उसके एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएंगे और प्लस लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा इसका, क्योंकि 32 और 40। अब इसमें 32 और 40 क्या है, एक बार प्रेशर मतलब 1 kg प्रेशर थोड़ा बहुत मतलब उसके वेरिएशन में है फर्क, लेकिन आप 1 kg प्रेशर ही जानिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 kg प्रेशर मतलब होता है 10 मीटर 3 मंजिला ऊंचाई से पानी आने के बाद 1 kg प्रेशर बनता है। तो इसको चलने के लिए ये 3100 को चलने के लिए हमको एक बार प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो हम कोशिश करें कि ये मतलब जैसे हम डाल रहे हैं जैसे 2 मंजिला ऊंचाई से पानी हमको लेके आना है तो हम कोशिश करें कि हम 32 mm का ना डालें। एडिशनल 300 रुपया आपका प्लस जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग का डिफरेंस नहीं, 300 रुपया या 400 रुपया पकड़ लीजिए, 300-400 रुपया कॉस्ट हो जाएगा। हम 40 mm का लाइन उतारेंगे, इसमें आपकी पाइप की थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ेगी, बट क्या होगा ये 0.5 bar पे चलता है, मतलब आधा kg पे भी प्रेशर पे चलता है। यदि समझो 1 मंजिला है और 1 मंजिले के बाद आपका जो स्टीयर केस है उसके ऊपर जो स्लैब डाले हो उसके ऊपर भी टैंक रख दिए हो तो ये चलेगा 1095। और 1085 के लिए 3 मंजिला ऊंचाई से पानी आना ही चाहिए तभी ये बेहतर यानी मतलब काम करेगा, ये चीज है। तो आप यदि मतलब कोशिश कीजिएगा यदि गांव में यदि काम कर रहे हैं तो आपको मोस्टली ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि बिल्डिंग कितनी ऊंचाई की है। यदि 2 मंजिला है तीन मंजिला एक बन के यानी मतलब हमको वहां से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और फिर मूवमेंट देख लीजिएगा कि कितना दूर का मतलब मूवमेंट है, लॉन्ग रनिंग भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका यानी काम करने का सिस्टम कैसा है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं तो यानी मतलब क्या होगा यानी मतलब ऑफ स्लोप रहेगा तो यानी मतलब वो पानी का यानी मतलब प्रेशराइज नहीं हो पाएगा, वो ध्यान रखना। लेकिन आप 0.5 bar का प्रेशर यदि आपको चाहिए तो आपको 40 mm कार्ट्रिज का लेना पड़ेगा और 40 mm की पाइपलाइन की काम करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका सबसे सस्ता ये हो गया, बट इसका लुक कॉन्सेप्ट जो है वो लग्जरीज को नहीं जाता है, इसका लुक कॉन्सेप्ट लग्जरीज को नहीं जाएगा क्योंकि इसका पार्टी एक्सपोज हो जाता है, एक छोटा सा गेट दिखता है उसमें कोई लग्जरीज नहीं, ये लग्जरीज कॉन्सेप्ट में नहीं दिखता है क्योंकि इसके अंदर एक प्लेट रहेगा। अब इसके अंदर जैसा मॉडल्स का आप ले लें चाहिए और एक छोटा मतलब यूरिन के लिए और बड़ा टॉयलेट के लिए, तो इसमें हाफ और फुल, तो आप ये वाटर सेविंग के हिसाब से ठीक है, ये वाटर सेविंग के हिसाब से ठीक है, इसको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वाटर सेविंग के लिए भी ठीक है और इसके लिए हमको एडिशनल लाइन उतारने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट जो है हमारे लिए टोटली अफोर्डेबल है, क्यों 3300 रुपये ये कॉस्ट प्लस कम से कम इतने का ही आप यदि आप ये डाल रहे हैं तो ये जहां ग्रेविटी प्रेशर जहां ऊंचाई नहीं मिल रही है, ऊंचाई मिलेगी तो भी डिस्टेंस तो बढ़ेगा तो उस पाइप की कॉस्ट एडिशनल बढ़ जाएगी। ये 1 मंजिला कम पे भी रहेगा तो इसकी कॉस्ट ज्यादा भी रहेगी, तो ये अप्रोक्स
सिमिलर में आ जाएंगे दोनों, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये भी पकड़ लीजिए कि कम से कम ये तो मान के चलिए कि मतलब 3000 से कम का नहीं मटेरियल, कम से कम पकड़िए 3000 का मटेरियल भी पकड़िए, ये कितना हो गया 6600 अप्रोक्स, 7000 के आसपास में इसका काम कंप्लीट होगा, 7000 के आसपास में, 7000 से, या बहुत ज्यादा नहीं, मतलब डिफरेंस वो थोड़ा एक माला और प्लस वगैरह है और प्लस उसके वाल्स वगैरह है मतलब पकड़ के, तो ये आपको 7 से 8000 रुपए में हो रहा है। यदि हम ये 7000 रुपया खर्चा करने को तैयार है, 7000 से 8000 यदि ये हम कॉस्ट खर्च करने को तैयार है और हमारा लुक कॉन्सेप्ट लग्जरियस नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, मूड चेंज कर देना चाहिए। 12700 ये एमआरपी वैल्यू है, इसमें कम होगा, आप जब दुकान पे जाएंगे तो उनका जो डिस्काउंट लेस होगा वो डिस्काउंट करके आपको देंगे। तो आपको क्या करना है कि ये 12700 है ये अफोर्डेबल प्राइस है, इसके लिए कोई ग्रेविटी प्रेशर की जरूरत नहीं, कुछ भी कोई ग्रेविटी प्रेशर की नहीं, जीरो खाली। या आपका टैंक यहां पे है और यहां पे भी आपने टैंक लगाया है, ये कंसेंट टैंक आपका यहां पे है और ये टैंक यानी मतलब यहां पे भी है, तो यहां से पानी वो उसको दे देगा क्योंकि उसके अंदर फ्लॉट वाल का काम रहता है, अपना आराम से भी आएगा तो भर के रहेगा। आप सुनिए, इसके लिए WC अच्छी होनी चाहिए जो कम पानी में फ्लश आउट हो जाए करे, ये कभी ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार ये फ्लश आउट होने के बाद यदि कचरा पूरा क्लीन नहीं हुआ, आपका पूरा कचरा क्लीन नहीं हुआ तो दोबारा आपको वेटिंग करना पड़ेगा वहां पे, इसके लिए WC महंगा होगा, WC महंगा होगा कि कम पानी में फ्लश आउट हो जाए, या ग्रीन प्रोडक्ट में है, ग्रीन प्रोडक्ट में है तो कोई बात ही नहीं, उसका साइफन अच्छा है, या साइफोनिक सूट तो यदि वॉल माउंट में है तो द बेस्ट है, फिर वो आपको देखना पड़ेगा। इसका WC का सिलेक्शन आपको करना ही पड़ेगा, इसके WC अच्छे हो, क्यों, आई प्लस और मेट्रोपोल प्लस वाल, ये दोनों में आपने ऐसा दबा दिया और यदि आपका कचरा क्लीन नहीं हुआ तो वापिस फिर इसको यदि आप दबाएंगे तो फिर ये काम करना चालू कर देगा, इसके लिए वेटिंग करना पड़ेगा, बट इसके लिए पाइपलाइन के एडिशनल कॉस्ट सब बच जाएंगे। आप चाहे पतला पाइप में भी घुमा रहे हैं, यदि 3/4 में घुमा रहे हैं, 1 इंच में घुमा रहे हैं, कुछ भी घुमाइए इसके लिए सफिशियंट है, 1/2 इंच में घुमा रहे हैं तो भी सफिशियंट है, इसके लिए कोई मतलब प्रेशर की जरूरत नहीं है, इनको प्रेशर की जरूरत है। अब ये चलेगा 1/32 mm कार्ट्रिज जाएगा तो 1 kg प्रेशर मिनिमम और ये 0.5 kg प्रेशर मिनिमम, तो ये समझिए कि मतलब एक मंजिला घर है उसके ऊपर मतलब वो है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि गांव खेड़े में लगाएं तो 40 mm का ही लगाएं, ये आपको तकलीफ नहीं देगा और इसमें जितनी बार चाहे फ्लश आउट आप कर सकते हैं। इसमें हाफ और फुल का दोनों वाले का मैंने कॉस्टिंग डाला है, सिंगल फ्लश का नहीं डाला क्योंकि सिंगल फ्लश में क्या होगा कि मतलब छोटा यूरिन के लिए भी यूज किए तो आप दबाएंगे तो उतना लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा, और उसमें क्या रहता है, 2 बटन रहते हैं, छोटा दबाएंगे तो हाफ और बाकी वरना फुल। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि 40 mm मेरा गांव वगैरह में काम करते हैं तो 40 mm हो, यदि हाइटेड बिल्डिंग है तो कोई बात नहीं है, फिर टॉप फ्लोर पे जाके जब टॉप फ्लोर पे जाने लगे, चाहे 20 मंजिला हो, चाहे 15 मंजिला हो, चाहे 25 माला हो, चाहे 30 माला हो, जब टॉप फ्लोर पे जाने लगेंगे एकदम टॉप पे, तो फिर वो ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम इश्यूज आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर, और अब भी तो यदि मतलब मेन क्या होता है कि 10 माले बिल्डिंग के ऊपर यदि मतलब जाया जाए तो नीचे से पंप से मतलब चढ़ाया जाए तो उतना प्रेशराइज करने के लिए नीचे पंप लगाया जाता है, उसके प्रेशर टैंक्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब हम अलग सेशन में बताएंगे आपको वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मेट्रोपोल फ्लश वाल का 7 से 8 हजार रुपए में आपका कॉस्टिंग अप्रोक्स हो जाएगा, प्लस इसमें एडिशनल लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, इसको जरी मार के डालने के लिए इसका लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो अप्रोक्स ये पकड़ लीजिए कि 2000 भी प्लस हुआ ये तो ये गया 10000 के,
ये गया कहां पे 12,700, ये एमआरपी वैल्यू। अब ये 10,000 पे चला गया तो 2,000 प्लस करने के बाद ये कॉस्टिंग हो गया। आप इस तरीके से ग्राहक को सजेस्ट कर पाएंगे कि क्लाइंट समझ पाएगा कि हमको क्या लगाना चाहिए। अब उसमें एक चीज और है, यदि मेट्रोपोल फ्लश वाल का लाइन यदि आपने उतारा है और वहां पे सिंगल वाटर का लाइन है, जैसे ये नहीं है कि मतलब बोरवेल यानी मतलब या खराब पानी का यानी लाइन अलग है फ्लशिंग के लिए और मीठा पानी का अलग है जैसे मुंबई में होता है, तो वैसा है तो फिर ये मेरा इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो सेंटेंस काम नहीं आएगा। लेकिन यदि गांव के हिसाब से जहां एक ही पानी है या जहां मीठा ही पानी चलता हो या एक ही पानी है जो टोटल चाहे बोरवेल से आवे चाहे यानी मतलब कहीं से भी आवे वो पानी यदि एक ही है, तो ये लाइन उतारने में एक फायदा क्या होगा कि आपके सारे फॉसेट्स जो है वो प्रेशर से चलना चालू हो जाएंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ग्रेविटी प्रेशर तो नहीं बढ़ता, वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है क्योंकि जब वो पानी को खोलते हैं तो प्रेशर वो उतना ही यानी डिक्रीज, जब यानी खोलते हैं तो उसका प्रेशर जो है डिक्रीज होने लगता है, तो जब वो प्रेशर जब टूटता है तो वहां यानी मतलब पानी का प्रेशर जो है आपका मार खाना शुरू होता है तो वो उतना पानी पा नहीं पाता है, तो इसलिए उतना पानी दे नहीं पाता है। लेकिन यदि ये 1.5 इंची का लाइन आपने उतारा है, यदि 1.25 इंची का लाइन उतारा है तो आपके फॉसेट के लिए वो पानी कम नहीं होने देगा। तो आपके जो फॉसेट का परफॉर्मेंस यदि डायवर्टर लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं तो उसके लिए ये सही है। इसका हमने क्या बताया, इसके लिए एडिशनल कोई बड़े लाइन की डालने की जरूरत नहीं है। एक हो गया, अभी आई प्लस हो गया, इसको 1.5 बार प्रेशर चाहिए, 1.5 kg मतलब 4.5 मंजिला ऊंचाई से पानी चाहिए इसको। 4.5 मंजिला ऊंचाई से पानी आएगा तो ये काम बेहतर तरीके से करेगा। अब सोचिए तो कम से कम यानी मतलब यदि 3 मंजिला है और 3 मंजिला के ऊपर यदि मतलब यानी स्टीयर केस के ऊपर यदि टैंक रखा हुआ है तो भी ये चल जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो भी चल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया इनकी कॉस्टिंग वैल्यू और इनके वर्क साइड, बट ये लग्जरियस की तरफ जाता है, ये लग्जरियस की तरफ जाता है। छोटा सा प्लेट रहेगा, हल्का सा एक यानी मतलब आप समझ लीजिए 1/2 इंची मैक्सिमम उसका ठीक रहेगी, और एक टच बटन है जैसे रिमोट आप दबाते हैं जितना यानी मतलब आप वर्क करते हैं वैसा उतना उसमें ही वर्क करने पे हाफ और फुल दोनों मिल जाएगा। तो इसका यानी कॉन्सेप्ट कहां जाएगा, ये लग्जरियस को जाएगा। अब यहां पे 2 डॉट दे दिया, यहां पे 1 सिंगल डॉट दे दिया, यूरिन है सिंगल, लेटिंग है तो डबल। तो ये लग्जरियस को जाता है, ये जो है ये लग्जरियस को नहीं जाता है, ये रेगुलर है मोटा चीज प्लस वाला। तो इन चीजें में आप यदि क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि इसकी कॉस्टिंग अप्रोक्स 10,000 जाएगी विथ लेबर जो प्लस होगा, इसकी कॉस्टिंग 12,700 जाएगी प्लस जो इसका जो एडिशनल कॉस्ट जो आप यदि मतलब WC वॉल माउंट लगाने के लिए जो कॉस्टिंग चार्ज करते हैं ये उसी के अंदर आ जाएगा। इसका जो है आई प्लस जो है आई प्लस में यानी मतलब जो है आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा लग्जरियस को आ रहा है इसमें यानी मतलब। तो जो चीज जितना बेहतर परफॉर्म करे इसमें दबाना पड़ेगा, दबाएंगे आप फंस के तो आपको थोड़ा वेट लगेगा, कुछ लगभग ताकत लगेगी। इसमें सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्ट है, इसका नॉब ऑपरेटिंग थोड़ा दूर तक है, इसका आपने खाली टच किया थोड़ा सा दबा हो उतना एयर रिलीज हो गया उतना फ्लश आउट होके शट ऑफ हो जाता है। इसमें प्रेस करना पड़ता है लेकिन ये सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। ये जो है ये हार्ड प्रेस। अब किसको कौन सा कॉन्सेप्ट मांगता है ये आप उस कॉन्सेप्ट को समझा के उसी के हिसाब से पास करके तब उनको सजेस्ट करें। यदि प्लस वाल में मैंने एक बार पहले सेशन पढ़ाया था, फिर अभी जल्दी हमने पढ़ाया मेट्रोपोल प्लस वाल का, बट समझ में नहीं आया सबको, तो मैं बोला कि अब इनके लिए मतलब रेट कॉस्टिंग और इनके वर्कआउट, इसके लिए एडिशनल लाइन डालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एडिशनल लाइन डालने की जरूरत है, इसके लिए एडिशनल लाइन डालना। लेकिन ये और
और ये कौन से लग्जरियस जा रहा है, इसकी कॉस्टिंग 12,700 जा रही है, एडिशनल कोई खर्चा नहीं है इसमें, विद ब्रेकेट के साथ, फुल फ्रेम ब्रेकेट के साथ, हाफ फ्रेम ब्रेकेट पे सिर्फ प्रोफेशनल प्लम्बर ही काम करें जो यदि मतलब जिन्होंने किया है, और आप नए हैं तो फुल फ्रेम ही ब्रेकेट लें ताकि उसको यदि मतलब आपको क्या करना है, लंबा स्ट्रेट देख लेना है स्प्लिट लेवल से, और उसके बाद आगे पीछे देख लेना है, आगे पीछे ना हो और इस तरफ ना हो, आगे पीछे ना हो इस तरफ भी आगे पीछे ना हो, अप एंड डाउन ना हो, तो उसको खाली लेवल में आप बांध लीजिए। आप अपने डब्ल्यू का फ्लोर लेवल का हाइट मेंशन करके, जैसा डब्ल्यू सी हमने बताया वॉल माउंट डब्ल्यू सी लगाने के लिए 16.5 इंच 420 mm उसके मतलब सिरामिक के टॉप लेवल को रखना, ये हमेशा याद रखना 420 mm, 410 से 420 होता है 420 या रखिए, बोलते हैं लोग 420 तो 420 कम से कम दिमाग में रहता है, इसलिए 420 के हिसाब से आप याद रखिए कि 420 mm। अब उसमें भी मतलब यदि कोई बोलेगा कि मतलब आपको 17 इंची चाहिए, कोई मांग रहा है तो दे देना, वरना यदि मतलब लोग भी की यानी साइज सबके थोड़ी ना, कोई 5'4" का है, कोई 5 फुट यानी मतलब 5 फुट का ही है, कोई 5 फुट में 1 इंच कम है, कोई 5'8" है, कोई 6 फुट है, तो रेगुलर जो यूनिवर्सल साइज हो 410 से 420 mm ये याद रखिएगा। अब ये तीनों का फंड आप लोग समझ में, ये लग्जरियस को जाता है, ये लग्जरियस को जाता है, ये लग्जरियस को नहीं जाता है, बट इसकी कॉस्टिंग जो है इनसे जो है 2,000-3,000 रुपए कम पड़ती है इसकी कॉस्टिंग, बट इसकी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा होगी। ये 12,500 का आपको 10,000 मतलब 1075 FS यानी मतलब फुल स्टैंड के साथ मिलेगा आपको, FS माने फुल स्टैंड, और ये मतलब 1079 NK की, जहां भी हमने जैगवार में बताया आपको जैगवार का सेशन में कि जहां K लिखा रहेगा तो उसके टॉप पार्ट का नाम है, ना कि उसके बॉडी का नाम, कहीं ऐसा रेट यानी मतलब मेंशन करने में दिक्कत मत कर देना। तो ये जो NK ये 2,500 रुपए का ये है, तो ये टोटल 12,500 का कॉस्टिंग सेम जा रहा है, बट इसमें जो है पाइप के जो 32 mm पाइप जो लगेंगे इसमें, 1.25 इंची के पाइप जो लगेंगे उसके कॉस्ट एडिशनल प्लस हो जाएंगे। अब वही कॉस्ट जितना प्लस हो जाए इसमें कि आपको 2 पाइप में काम हो रहा है कि 3 पाइप में काम हो रहा है कि 4 पाइप में काम हो रहा है, ये आपको देखना है, बस उतना ही एडिशनल प्लस हो जाएगा जो 2 MT का और एल्बो और यदि मतलब छोटा मोटा जो सामान है वो, तो आप समझ लीजिए उतना ही कॉस्टिंग प्लस होगा, बट ये सभी से ये लग्जरियस को जाता है, ये भी लग्जरियस को जाता है। अभी आपको डिसाइड करना है वाटर सेविंग के लिए भी ठीक है, वाटर सेविंग के लिए भी ठीक है, वाटर सेविंग के लिए ये भी ठीक, क्योंकि इसमें यदि आप चाहें तो सेट कर सकते हैं उसको, यानी मतलब रिमूव, जैसे उसमें ओपन और क्लोज करने का जो मूड होता है उसको यानी मतलब आप कम बेसी करके रख सकते हैं, तो उतना ही फ्लश आउट हो सकता है, ये जैगवार का यानी मतलब मैं बता रहा हूं। तो इसमें यदि किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो इस टाइप का सवाल लिख दीजिए, और आज का सवाल जो है मतलब रोहित जी ने आपने पूछा है तो मैं अलग से सेशन आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं कहां आपने सवाल पूछा है, क्योंकि अलग से सेशन पढ़ाने का नहीं। आपने दिया है कोल्हर 2B न्यू सिंगल लीवर वाल मिक्सर, अ फ्लेक्सिबल सिंक मिक्सर विद स्वान नेक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसकी भी कॉस्ट वैल्यू यानी मतलब हमने बता दिया इसकी भी कॉस्ट वैल्यू, इसमें एडिशनल क्या ऐड करना है, ये ऐड करके लगभग 10,000 के आसपास जा रहा है, और इसमें अभी आपको पाइप का एडिशनल कॉस्ट यानी मतलब यानी 3,000 रुपए अभी आप पकड़ेंगे तो ये 15,500 के आसपास जाएगा, तो ये 15,500 मैं अप्रोक्स पकड़ ले रहा हूं, 15,000 क्या 16,000 पकड़ लेता हूं, बट ये होगा थोड़ा कमी, लेकिन बट आप वहां पे चेक करिए, ये 16,000 पकड़ लीजिए इसका काम करने के लिए, बट ये कंप्लीट लग्जरी से टच बटन जैसे रिमोट आप टीवी में दबाते हैं उसी तरीके से ऐसे टच करेंगे बस हो जाएगा आपका काम, ये टच बटन पे है। 16,000 इसकी कॉस्टिंग जाएगी, 10,000 अप्रोक्स इसका जाएगा, 12,700 इसका जाएगा, प्लस जो इसके लेस मिलेंगे वो आपको दुकान पे भी मतलब कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये चीजें हो गई आपकी, इसके विषय में कोई सवाल रहेगा तो आप वापस पूछ सकते हैं। अब यदि हमने सोचा है कि जो आपके सवाल आते रहेंगे, यदि ज्यादा सवाल लेने जैसे पूछ देते हैं तो हम आपका उसका अलग सेशन बनाएंगे, नहीं तो इसी में उत्तर दे देंगे। अभी यानी मतलब क्या सवाल है, कोलर 2B न्यू, कोलर कंपनी का यानी मतलब 2B न्यू सिंगल लीवर वाल मिक्सर,
हमने सेशन ये पढ़ा दिया है, फिर भी हमको पढ़ाना पड़ रहा है, मतलब तो सवाल आपके आए हैं तो उनको सवाल को आंसर देना है। हमने एक चीज बताया था सिंगल लीवर, सिंगल लीवर वाल्व मिक्सर, या सिंगल लीवर डायवर्टर। सिंगल लीवर मतलब वो लीवर से ही ऑपरेट होगा। मैंने कई बार बोला है सेशन में, एक ही लीवर को उठाओगे डायरेक्ट, नॉब ही मतलब बटन है, मॉडल्स कोई भी हो, मॉडल्स कोई भी, आपने इसको खींच दिया तो गर्म ठंडा आएगा, गर्म ठंडा आना शुरू हो जाएगा। अब इसी को रिमूव करते हुए यदि इस दिशा में आप जा रहे हैं तो यहां से यदि मतलब आपने ऑपरेट कर दिया ये पूरा गर्म हो जाएगा, ऐसी को रिमूव करते हुए पूरा इस तरफ यदि आ गए तो कोल्ड हो जाएगा, गर्म लेफ्ट साइड दहिने ठंडा, तो ये चीज हो गया। तो अब ये सिंगल लीवर वाल मिक्सर, तो जो लीवर से ही मिक्सर ऑपरेट होने लगे, तो मिक्सर यानी मतलब कैसा होता है कि आपने मोस्टली वाल मिक्सर तो देखा ही होगा, मिक्सर में मतलब कुछ एडिशनल तो रहते नहीं है, बट हम उसको ड्रॉ करके आपको बता देते हैं। उसके लिए एक गर्म ठंडे का एक पॉइंट और एक सावर का पॉइंट छोड़ा जाता है, ये हो गया आपका कोल्ड और ये हो गया हॉट, ये हॉट हो गया, ये सावर पाइप हो गया, ये सावर पाइप हो गया। अब इसमें मिक्सर लग जाता है, इसका हमने बताया था 160 mm, 160 mm इसका डिस्टेंस कभी मत बोलिएगा, उसमें ग्रोहे का भी रहेगा ना, जैसे ग्रोहे बोलता है कि मतलब हमको 150 एमएम चाहिए, तो इसमें जो लेग लगते हैं ना, लेग का एडजस्टमेंट उतने में बड़े आराम से सेट हो जाता है, कि 150 भी वो मांग रहे हैं ना तो 160 आप दिए हैं तो, और 160 दिए हैं तो कोई भी बैठ सकता है, नहीं तो पता चला जगुआर का कहीं फ्लोरेंटाइन सीरीज आपने उठा लिया तो 170 का उसका सेटिंग होता है, वो मिक्सर का बॉडी बड़ा होता है, तो 160 दिए रहेंगे तो 10 mm में कवरिंग करता है लेग जो है, 10 mm बड़े आसानी से करता है, कम से कम 12 mm लेकिन आप 10 mm पकड़िए तो 10 mm बड़े आराम से कवरिंग करता है, 10 mm माइनस में भी जा सकता है, 10 mm प्लस में भी जा सकता है, इससे कोई तकलीफ नहीं। तो इसकी सेटिंग वो रखना, तो आपने ठंडे गर्म का पॉइंट रख दिया, ठंडे गर्म का पॉइंट रख दिया, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें इसी के ऊपर मिक्सर वाल मिक्सर जैसा बैठाते हैं वैसा वो भी बैठ जाएगा, ऊपर का टॉप पार्ट निकाल के उसके अंदर यानी मतलब एक एडिशनल यानी मतलब जो है सावर रेल लगाते हैं, तो ये जो पॉइंट रहेगा उसमें, ये जो उन्होंने पूछा है कौन सा सावर पूछा है, कोलर 2B, इसमें इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें इसमें एक एक्सपोज सावर रेल लगता है और जो यूनिट बनती है इसकी, जो यूनिट बनेगी, रुकिए मैं इसको मिटा दूं, जो यूनिट बनेगी अभी, अब मान लो यहां पर उसका दे दिया लीवर ऑपरेटिंग ऑन ऑफ करने का, और यहां से दे देंगे उसके चेंजर को, एक तरफ घुमाएगा तो सावर को चला जाएगा, एक तरफ घुमाएगा तो इसमें इसी में इस पाउच बना हुआ है और उसके थ्रू आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा मॉडल दिखने में बड़ा डिसेंट है, बहुत डिसेंट है दिखने में, बहुत है। उसके ऊपर यानी मतलब कुछ रख भी सकते हैं, बट यानी रखने का मतलब क्या है कि वहां पे पानी स्टोर होगा, जितने भी आप नहाने के टाइम पे जो छीटा वीटा जो जाएगा उसको क्लीन करना चाहिए। हर देखिए फॉसेट है पूरे बाथरूम को, ये सबके लिए नियम है, पूरे देश के लिए नियम है कि आपका बाथरूम जो है हर 8 घंटे में सूखना चाहिए, ये सूख नहीं रहा है और क्लीनिंग नहीं है तो वो बाथरूम आपका हाइजीनिक नहीं होगा, वहां बैक्टीरिया पनपेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये बड़े ब्रॉड में है उससे कोई मतलब नहीं, ये इसके लिए एडिशनल एक ये लगा हुआ है सावर, उसके यानी मतलब सावर पाइप, ताकि अब वो इसमें सावर को एक्सपोज के माध्यम से है, और एक इस पाउच का पॉइंट है इसमें, इसमें कुछ नहीं, वो सिंगल लीवर चाहे ये बना दे चाहे ये वाला ढांचा बना दे, ये वाला ढांचा बना दें, ये वाला ढांचा बना दें,
बट है वो लीवर का ही, यानी मतलब ये इसमें स्पाउट स्पाउट हो जाएगा लीवर से, लीवर यानी मतलब यहाँ पे लगा दिए इसे ऑपरेटिंग हो जाएगा, वो बात वही है। अपने को क्या समझना है, इसको समझना है, ये बहुत जरूरी है। सिंगल लीवर वाल मिक्सर लिखा है तो टोटली एक्सपोज होगा, हमने अगले सेशन में भी बोला था वाल मिक्सर लगेगा तो टोटली एक्सपोज हो जाएगा, और वाल मिक्सर नहीं लगेगा तो सिंगल लीवर यदि डायवर्टर हो रहा है तो कंसिडर उसके पार्ट हो जाएंगे, टॉप पार्ट बाहर से लगेंगे, नॉब ऑपरेटिंग बटन असेंबली बाहर से हो जाएंगे, और वाल मिक्सर लगेगा तो टोटल एक्सपोज हो जाते हैं। बस यही इसमें सिंगल लीवर वाल मिक्सर में मतलब यही है। और क्या है, फ्लेक्सिबल सिंक मिक्सर विथ यानी स्वान नेट, फ्लेक्सिबल सिंक मिक्सर याद रखना, सब मिक्सर जो लगभग स्वान नेक में ही आएंगे सिंक के, सिर्फ एक आता है लॉन्ग बॉडी विपकॉक आता है, वो एकदम वो उसको लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर यानी मतलब वो उसके आधार पे आपको काम करना पड़ेगा, फिर वो आपके आधार पे काम नहीं करेगा, उसके आधार पे काम करना, वो सीधा खाली बॉडी एकदम स्टैंड पड़ा रहेगा। अब इसमें यानी मतलब फ्लेक्सिबल यानी सिंक कॉक मतलब जैसे कभी यानी मतलब आपने आर्मर्ड केबल देखा है कि नहीं, यानी मतलब उसके ऊपर मतलब पहले यानी मतलब वो सिंगल कोर के वायर उसके अंदर रहेंगे, उसके ऊपर इंसुलिन रहेगा, उसके ऊपर कवर रहेगा, उसके ऊपर यानी कवर के ऊपर यानी मतलब फिर तार की पट्टी लपेटी रहती है, पतला वाला चिपटा वाला क्यों लपेटी रहती है, उसके ऊपर ट्रक भी पास हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। वैसे ये फ्लेक्सिबल जो होता है इसके कॉपर कनेक्शन भी आते हैं, उसको चाहे जैसा ऐसा घुमा लो, जहां पे घुमा देंगे वहां पे वैसा वो रुका पड़ा रहेगा, जैसे घुमा देंगे फिर आपको उसको सीधा करना पड़ेगा, तो वो मतलब वो फ्लेक्सिबल हो गया। बाकी सिंक मिक्सर तो सिंक मिक्सर ही है ना, सिंक मिक्सर मतलब चाहे यानी डेक माउंट हो या वॉल माउंट हो, ये हमने बता चुके हैं, ये हमने बताया है अगले सेशन में कि या तो वॉल माउंट हो या तो डेक माउंट हो, दो ही होंगे सिंक में। अब ये क्या हो गया, ये सिंक मिक्सर हो गया, आप लीवर उठाएंगे तो गर्म ठंडा आने लगेगा, ये यही चीज है इसमें। स्वान नेक मतलब इस तरीके से पानी जो नेक यानी मतलब जिसका घूमेगा और घूम सकता है, और प्लस यानी मतलब जितने भी लगभग डेक माउंट के यानी मतलब जो मिक्सर होते हैं उनके पूरे यानी मतलब नेक जो है वो घूमते हैं, सेम चीज यानी वॉल माउंट में, वॉल माउंट का यानी मतलब मिक्सर है उसके भी नेक घूमते हैं, चाहे छोटा वाला हो यदि यानी मतलब जगुआर में ले रहे हैं एनडी यदि मॉडल का है, लंबा वाला हो भी वो घूमना ही उनको, क्योंकि मतलब कभी कभी दो बाउल रहते तो उसमें कवरिंग करने के लिए, तो वॉल वाले से बेटर पड़ता है डेक माउंट, कभी भी सिंक में सबसे बेटर यानी मतलब कोई फॉसेट पड़ता है तो डेक माउंट ही पड़ता है, वो मॉड्यूलर को दर्शाता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये हमने कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन आप यानी मतलब आपने इसका काम नहीं किया इसलिए आपको यानी मतलब बहुत हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं, ये डेक माउंट और वॉल माउंट हमने इसके विषय में पढ़ाया है। बाकी कोई सवाल रहेगा आप बोलिएगा, वरना अब हम अपने हिसाब से चालू करेंगे, हमको कुछ पीडीएफ वगैरह मिल गया है, अब हम पढ़ाते हैं क्योंकि एक्चुअली बहुत दिन के बाद मैं खुद खड़ा हुआ हूँ पैर पे, तो अभी बहुत बेटर कंडीशन नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको ये समझा पाए। बाकी सवाल आप जारी रखिएगा, आप यानी व्हाट्सएप पे भेजिए, नंबर हमारा वही है 7880334819, आप नंबर पे कॉल कीजिए और उस नंबर पे चाहे जितना यानी मतलब आपको व्हाट्सएप करना हो या फोन करना हो, फोन करके पूछना हो कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे कि मतलब सुबह के यानी मतलब 2 बजे के बाद यानी मतलब क्वेश्चन ना करें तो बेटर रहेगा, बाकी यानी आपकी मर्जी। जय हिंद जय भारत।